ये हमारा नया टॉपिक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर। टॉपिक का नाम क्या है? स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर यूजिंग एसी वोल्टेज कंट्रोलर। यूजिंग एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर यूजिंग एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज़ किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली मोटर का मतलब तो आप सबको पता होगा। मोटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बोल सकते हैं, जो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मोटर क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होता है, जो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड इनपुट एसी इनपुट सिग्नल, ठीक है, तो उस मोटर को ड्राइव करने के लिए जो एक्सटर्नल हम इनपुट सिग्नल देते हैं, उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के बेसिस पे अगर मोटर को क्लासीफाई करेंगे तो दो टाइप का होता है, एक एसी मोटर, दूसरा क्या होगा, डीसी मोटर। ठीक है, तो वह मोटर जो अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल पर ऑपरेट करता है वो एसी मोटर कहलाएगा। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल पर ऑपरेट करता है उस मोटर को क्या बोलेंगे हम, एसी मोटर बोलेंगे। और उस अल्टरनेटिंग करेंट सिग्नल की वैल्यू को वेरी करने से मोटर के अक्रॉस अपीयर्ड ईएमएफ की वैल्यू भी वेरी होगा। मोटर के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू वेरी होने से मोटर पे लगने वाला रोटेशनल टार्क फोर्स है वो भी कम होगा, वो भी वेरी होंगे। तो रोटेशनल टार्क की वैल्यू वेरी होने के कारण मोटर की स्पीड भी क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, तो कोई भी एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज़ करके हम किसी भी एसी मोटर की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर बाय यूजिंग एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर एसी जो मोटर है वो बेसिकली लोड होता है। लोड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसको हमें ऑपरेट करना है, जिसमें हमें आउटपुट पावर को ट्रांसफ़र करना है, वही क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। हम सिंपल सर्किट यूज़ करते हैं तो उसमें प्योर रजिस्टिव लोड ले लेते हैं, तो उस रजिस्टर के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होता है वो डेवलप्ड वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर हम आरएल लोड ले लेते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन को लोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हम आरएलई यूज़ करते हैं जिसको हम मोटर बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं लोड किसको यूज़ किया हूँ, एसी मोटर को यूज़ किया हूँ, और इस एसी मोटर को ही हमें इस फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर की हेल्प से इसकी स्पीड को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर ये जितना भी सर्किट जो बना है वो फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, जिनमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो हाई इनपुट एसी वोल्टेज को इक्विवेलेंट लो आउटपुट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसमें ए बी है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सी डी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं उस वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे दो थायरिस्टर्स का यूज़ हुआ है, T1 और T2 जो थायरिस्टर्स है दोनों आपस में एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, और इन दोनों के एंटी पैरेलल कनेक्शन को हम एक
एसी मोटर के साथ में क्या कर दिए हैं, यूज कर दिए। तो सर्किट में एसी मोटर है, सिंपल एक लोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस एसी मोटर में फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने ओर से एक रिफरेंस करंट आईएल लोड करंट शो कर दिया। इसके फ्लो होने से इस मोटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसी को मैं आउटपुट वोल्टेज माना। तो इसी मोटर के क्रॉस जो भी आउटपुट वोल्टेज डेवलप होंगे, इस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को ही वेरी करने से इस मोटर के क्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से इस मोटर के शाफ्ट पे लगने वाले रोटेशनल टॉर्क फोर्स की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगा, वेरी होगा। टॉर्क की वैल्यू को वेरी होने से क्या होंगे, इस मोटर की स्पीड है वो भी क्या होने लगेगा, वेरी होने लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, आप ऑपरेशन तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर की कंप्लीट ऑपरेशन को लिखना है। जैसे ही हम इसके इनपुट एसी सिग्नल पे, हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और बी क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ट्रांसफार्मर एक्शन होने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव और डी पॉइंट पे क्या होता है, नेगेटिव। सी पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने से थायरिस्टर टी वन है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, बट थायरिस्टर टी टू है वो हाईली रिवर्स होने की वजह से वो ऑफ मोड में रहेगा, कंडक्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे थायरिस्टर टी वन के गेट और कैथोड के बीच में हम सफिशियंट मैग्नीट्यूड और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन की एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, थायरिस्टर टी वन है वो कंडक्ट हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली सर्किट में करेंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग करंट है वो सी पॉइंट, सी से थायरिस्टर टी वन, थायरिस्टर टी वन से लोड मोटर एसी मोटर से फिर डी पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्योंकि सर्किट में फ्लो होने वाला लोड जो करंट है वो एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड दिस आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इस सीडी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ, तो ये हुआ। अब देखो ड्यूरिंग द नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू टू पाई द टर्मिनल ए बिकम्स निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए है वो निगेटिव हो जाता है, बी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होगा। अगेन यहाँ पर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना होगा, ट्रांसफार्मर एक्शन होंगे और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज है सी पॉइंट पे निगेटिव होंगे और डी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज डेवलप होने के कारण थायरिस्टर टी वन है वो हाईली रिवर्स हो जाता है, हाईली रिवर्स होने के कारण थायरिस्टर टी वन है वो टर्न ऑफ हो जाता है, कंडक्ट नहीं कर पाता, इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। मींस थायरिस्टर टी वन है एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। बट सी पॉइंट पे निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होने से थायरिस्टर टी टू है वो हाईली फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, हाईली फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, दैट मीन्स थायरिस्टर टी टू को टर्न ऑन किया जा सकता है। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे थायरिस्टर टी टू के गेट और कैथोड के बीच हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के कारण थायरिस्टर टी टू है वो टर्न ऑन हो जाता है, टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली इससे होकर एक इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट डी पॉइंट से होते हुए एसी मोटर लोड,
लोड एसी मोटर से होते हुए थायरिस्टर टी टू, थायरिस्टर टी टू से होते हुए सी पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। चूँकि फ्लोविंग जो करंट है हमारे एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोविंग करंट निगेटिव होगा। वो फ्लोविंग करंट के निगेटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, निगेटिव। एंड अगेन दिस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज अगेन फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट, मतलब सी डी के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वही वोल्टेज ही यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। तो ऐसा है इसका वेव फॉर्म, देख लो, इसको तो पिछले थ्योरी में लिया था, वही वेव फॉर्म है। तो वेव फॉर्म देख करके इसके ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे मैंने टी वन को टर्न ऑन करने के लिए ट्रिगर किया, फायरिंग पल्स दिया। तो क्या होता है कि इस अल्फा दैट मीन्स फायरिंग एंगल, ठीक है, या फिर जिस एंगल पे हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं उसी को फायरिंग एंगल बोलते हैं, या फिर जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थायरिस्टर में करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है उसी एंगल को थायरिस्टर का क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने थायरिस्टर T1 को इस अल्फा पे फायर किया तो हमें अल्फा से करंट का फ्लो हो रहा शुरू हुआ है लोड में, और अल्फा से ही हमें आउटपुट वोल्टेज है वो प्राप्त होना शुरू हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अल्फा एक्सटर्नल जो इनपुट सिग्नल जो अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग थायरिस्टर जो भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में है, तो जो थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में है सिर्फ उसी को ऑन किया जा सकता है। तो थायरिस्टर्स की टर्न ऑन टाइम ड्यूरेशन को वेरी करके, टर्न ऑन टाइम ड्यूरेशन मतलब फायरिंग एंगल, तो थायरिस्टर की फायरिंग एंगल को वेरी करके हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। सपोज हमने अभी इस अल्फा पे फायर किया था तो इस अल्फा से ही करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, करंट फ्लो होना शुरू होने से अल्फा से ही हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुआ। सपोज हम थायरिस्टर को किसी इस पर्टिकुलर टाइम पर जो नया ड्रॉ कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं फायर करूँगा तो मुझे इतना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और इसी एंगल से ही लोड में करंट का फ्लो होगा। तो क्या पहले इतना तक करंट का फ्लो होने से इतना वोल्टेज मिल रहा था, अब मैंने फायरिंग इस पॉइंट पे किया तो इतने पोर्शन के लिए मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ऐसा? तो फायरिंग एंगल की वैल्यू डिले करने से, फायरिंग एंगल की वैल्यू को इनक्रीज करने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो फायरिंग एंगल की वैल्यू को इनक्रीज करने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगा तो इस एसी मोटर के अक्रॉस एपियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इस एसी मोटर के अक्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने से इस एसी मोटर के शाफ्ट पे लगने वाला टार्क, रोटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मैंने क्या बताया, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज किया, फायरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ाया, फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम घट गया। फायरिंग एंगल बढ़ा मतलब थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम पीरियड क्या हुआ, कम होगा, कम समय के लिए थायरिस्टर ऑन होगा। थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम पीरियड घटेंगे, थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम पीरियड घटेगा मतलब लोड में फ्लो होने वाला लोड करेंट, लोड करेंट का टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा, लोड करेंट का टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या होगा, लोड करेंट की टाइम ड्यूरेशन भी घटेंगे, क्योंकि लेट से आपका थायरिस्टर ऑन हुआ तो लेट से ऑन होने से इसकी कंडक्शन पीरियड घटेगा, कंडक्शन पीरियड घटने से लोड में फ्लो होने वाले लोड करेंट की टाइम ड्यूरेशन भी क्या होंगे, घटेंगे। लोड की टाइम ड्यूरेशन घटने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है, उस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम टाइम के लिए करेंट का फ्लो होगा तो लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज भी कम होंगे। उसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू जो है आउटपुट वोल्टेज की वो कम होगा। उसकी वैल्यू कम होने के कारण उस मोटर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी कम होगा, पावर कम होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे, उस मोटर के अक्रॉस अपीयर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होंगे,
तो मोटर पे लगने वाला जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल फोर्स। तो मोटर के शाफ्ट पे लगने वाला रोटेशनल जो फोर्स है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और टॉर्क की वैल्यू कम होने से मोटर के शाफ्ट का मूवमेंट है वो क्या होगा? कम। मूवमेंट कम होने से मोटर की स्पीड भी क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। तो थायरिस्टर की ट्रिगरिंग एंगल या फिर फायरिंग एंगल है, उसको वेरी करने से थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम पीरियड वेरी होता है। थायरिस्टर की कंडक्शन टाइम पीरियड वेरी होने से लोड में फ्लो होने वाले करंट का टाइम पीरियड वेरी होता है। लोड करंट का टाइम ड्यूरेशन वेरी होने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड आउटपुट एसी वोल्टेज का वैल्यू भी वेरी होगा। डेवलप्ड आउटपुट एसी वोल्टेज की वैल्यू वेरी होने से उस एसी मोटर के अक्रॉस एपियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें लगने वाला रोटेशनल टार्क फोर्स की वैल्यू भी कम होगा। रोटेशनल टार्क फोर्स की वैल्यू कम होने से उस मोटर की स्पीड क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आपका एक पार्ट कि फायरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ाने से, मतलब फायरिंग एंगल बढ़ रहा है मतलब थायरिस्टर को हम लेट से ऑन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिले एंगल है। ठीक है, मतलब लेट से ऑन कर रहे हैं, लेट से ऑन कर रहे हैं मतलब थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम है वो घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। कम समय के लिए ऑन होगा तो लोड में कम समय के लिए करंट फ्लो होगा, कम समय के लिए करंट फ्लो होंगे तो लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्ट आउटपुट वो एसी वोल्टेज है वो भी कम रहेगा। डेवलप्ड एसी आउटपुट वोल्टेज कम मिलेंगे तो उस एसी मोटर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो उस पर लगने वाला टार्क रोटेशनल फोर्स है वो भी कम होगा। टार्क रोटेशनल फोर्स कम होगा तो उस मोटर की स्पीड है वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये हुआ है अल्फा की वैल्यू बढ़ाने पर। अब एक बार मैं अल्फा की वैल्यू को कम करके देखता हूँ। ये रहा हमारा फायरिंग एंगल की वैल्यू इंक्रीज करने से मोटर की स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, मोटर का स्पीड है वो कम होने लगेंगे। अब मान लिया जाए हम उसमें सर्किट में यूज्ड थायरिस्टर की फायरिंग एंगल को क्या करते हैं? कम करते हैं। कम कर रहे हैं मतलब समझा जाए तो थायरिस्टर को जल्दी ऑन, तो थायरिस्टर की फायरिंग एंगल कम कर रहे हैं मतलब उसको जल्दी ऑन कर रहे हैं। जल्दी ऑन कर रहे हैं मतलब थायरिस्टर है वो का कंडक्शन पीरियड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, लंबा समय तक ऑन रहेगा। कंडक्शन टाइम जो है थायरिस्टर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर फायरिंग एंगल कम है मतलब जल्दी ऑन कर रहे हैं तो थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। थायरिस्टर की कंडक्शन टाइम पीरियड बढ़ने से लोड में फ्लो होने वाले लोड करेंट की वैल्यू है वो क्या होगा? लोड करेंट IL की वैल्यू है वो बढ़ेगा, मतलब लंबे समय तक लोड करेंट का फ्लो होगा। लोड करेंट ज़्यादा समय तक फ्लो होगा तो लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे। आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलने से उस AC मोटर के अक्रॉस एपियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ेगा, E के वैल्यू बढ़ेगा। और E की वैल्यू बढ़ने से मोटर AC मोटर के शाफ्ट पर लगने वाला जो रोटेशनल टार्क का जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। फोर्स की वैल्यू बढ़ने से मोटर की स्पीड भी क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो इस प्रकार से उस मोटर की स्पीड है वो बढ़ने लगेगा। तो इस AC वोल्टेज कंट्रोलर में यूज्ड थायरिस्टर जो स्विच है उसकी कंडक्शन टाइम पीरियड फायरिंग एंगल को हम वेरी करके हम उसमें फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू को वेरी करते हैं। लोड करंट की वैल्यू वेरी होने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज भी क्या होने लगता है? वेरी होने लगता है। लोड के अक्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके हम उस मोटर की स्पीड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये रहा हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मोटर यूजिंग AC वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो आप जब भी आप वो करोगे बताओगे सर्किट में तो ये सर्किट बताना पड़ेगा। मोटर AC मोटर को मैं लोड की तरह यूज़ किया हूँ। AC मोटर को ड्राइव करने के लिए AC सिग्नल की आवश्यकता होगी। और आप सबको पता है कि AC वोल्टेज कंट्रोलर फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में कन्वर्ट करता है।
मतलब इसका इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट में भी एसी देता है, और आउटपुट में जो एसी मिल रहा है उस वेरिएबल आउटपुट एसी को हम मोटर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। तो आउटपुट वेरिएबल एसी की वैल्यू वेरी होने से मोटर के अक्रॉस अपीयर्ड वोल्टेज की वैल्यू वेरी होगा, मोटर के अक्रॉस अपीयर्ड वोल्टेज की वैल्यू वेरी होने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा मतलब इसको लगने वाला टार्क का रोटेशनल फोर्स वेरी होगा, टार्क का रोटेशनल फोर्स के वेरी होने से मोटर की स्पीड भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इस प्रकार से हम एसी मोटर की स्पीड को एसी वोल्टेज कंट्रोलर की हेल्प से क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आया होगा तो ऑन वर्ड्स में अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता तो दो तीन बार देखो, कहीं पर डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।